नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूपी पुलिस ने बदमाशों का खात्मा करने का मन बना लिया है, या फिर यूं कहें कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की यूपी पुलिस ने कसम खा ली है, जिसका खौफ यूपी के बदमाशों में भी दिखने लगा है। वो कैसे पहले आगरा से सामने आए, इस वीडियो को देखिए, फिर आगे आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता ये है अपहरण का आरोपी भोला, जो एनकाउंटर के डर से पुलिस के सामने हाथ जोड़कर ही पहुंच गया, बल्कि सरेंडर भी कर डाला और तो और पुलिस के सामने अपराध नहीं करने की कसम भी खाता दिखाई दिया। सर, मेरा नाम भोला है, पिताजी का नाम भूषण है, मेरा गांव जागापुरा है। सर, डॉक्टर साहब का अपहरण किया था मैंने अपने दोस्तों के साथ में। सर, मैं पुलिस के डर के मारे अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। सर, मुझे माफ किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बदमाश एनकाउंटर के डर से पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आखिर अचानक बदमाश हाथ जोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए क्यों पहुंचने लगे। दरअसल आगरा जिले में 5 दिन के अंदर पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। इसी खौफ के चलते बदमाश अब पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, ताकि पुलिस की गोली से बचा जा सके। वहीं पुलिस के मुताबिक भोला अपहरण कांड में शामिल था, यही वजह है कि कार्रवाई के डर से भोला ने सरेंडर कर दिया। सर, मेरा नाम प्रभाष शर्मा है, पिताजी का नाम सत्य प्रकाश शर्मा, मैं रोजाबाद का रहने वाला हूँ। सर, मणिपुरम कांड था जिसमें मैं शामिल था, उसमें मैंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के डर और दबाव के कारण। अब आगे से ये गलती नहीं करूंगा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भोला के सरेंडर करने से ये तो साफ हो गया है कि बदमाश में पुलिस का काफी खौफ है और उन्हें भी ये पता चल गया है कि अपराध नहीं छोड़ा तो पुलिस की गोली से बचना मुश्किल हो जाएगा। सर, मेरा नाम भोला है, पिताजी का नाम भूषण है, मेरा गांव जागापुरा है। सर, डॉक्टर साहब का अपहरण किया था मैंने अपने दोस्तों के साथ में। सर, मैं पुलिस के डर के मारे अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। सर, मुझे माफ किया जाए। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई से ये तो साफ हो चुका है कि पुलिस अपराध करने वालों को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगरा में और बदमाश भी पुलिस के खौफ के चलते सरेंडर करते हैं या फिर वो पुलिस की गोली का शिकार बनते हैं। अब आगे से गलती नहीं करूंगा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।